डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जान रहे हैं आप, हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज दोस्तों 9.1, चूँकि 9 नंबर जो चैप्टर है इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ओनली 9.1, और इसमें आज हम लोग इसको लास्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 9.1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक के हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था। चलिए 16 पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि भाई मीनार के आधार, क्या बोला जा रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब सबसे पहले समझिए, सबसे बोला मीनार के आधार, ये हमारा धरती है, ठीक है, ये हमारा धरती है, अर्थ है, इस पर एक मीनार है भाई, इस पर क्या है, एक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, तो इसको कहेंगे हम लोग मीनार, ठीक है। और मीनार के नीचे वाला को बोला जाता है मीनार का आधार, और मीनार के ऊपर वाला को बोला जाता है मीनार का शिखर। क्लियर? यहाँ पे बोल रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो गो बिंदु स्थित है। याद रखो, मीनार के आधार यही है, और आधार का सरल रेखा का मतलब हुआ कि आधार से सरल रेखा, आधार और आधार से एक सरल रेखा में, आधार के एक सरल रेखा में सबसे पहले बोला कि 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है स्थित है, तो ये 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित हो गया। और फिर यहाँ से आधार से फिर बोला कि 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु स्थित है, तो मान लीजिए कि 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु स्थित है। समझ में आया? यानी कि मीनार के आधार और सरल रेखा, सरल रेखा माने आधार का सरल रेखा, सरल रेखा माने उसी लाइन में, आधार वाले लाइन में ही दो गो बिंदु है, एक गो बिंदु जो है आधार से 4 मीटर है और दूसरा बिंदु जो है आधार से 9 मीटर है, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 9 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बिंदु 4 मीटर है, तो दो गो बिंदु है, दोनों जो है आधार से एगो 4 मीटर है, एगो 9 मीटर है। फिर क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहला तो समझ में आ रहा है कि जो दो बिंदु है, इस दोनों बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण यही ना होगा, ये दोनों बिंदु से मीनार का शिखर तो यही होगा, तो मीनार का शिखर से दो बिंदु का उन्नयन कोण यही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि मीनार का जो शिखर है ना, ये तो शिखर है, अब इस शिखर से दो गो बिंदु है और दोनों बिंदु का जो है उन्नयन हमको बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्या है, तो पूरक कोण है। उन्नयन कोण कौन सा कोण है, पूरक कोण। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, इसका मतलब कौन चाहिए, तो आप पूरक कोण के बारे में पढ़े होंगे कि पूरक कोण उसको कहते हैं जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि 30 और 60 एक कोची हुआ, पूरक कोण हुआ, यानी कि दो गो ऐसा कोण जिसको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से कोण के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, पूरक कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया, समपूरक कोण हो गया, इसी तरीके से। तो खैर हमको उतना कोण से मतलब नहीं है, हमको क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण जो है वो कौन सा कोण है, पूरक कोण। और पूरक कोण का मतलब कौन सी होता है कि दो गो के जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए। तो हमको अगर पूछेगा कि 20 डिग्री का पूरक कौन सी होगा, तो 20 डिग्री का पूरक हम कहेंगे कि 70 होगा, है ना। क्यों 20 डिग्री का 70 होगा, क्योंकि 20 और 70 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा,
वही 90। उसी तरीके से ये दोनों उनियन कोण जो है पूरक कोण है, तो इसको मान लीजिए थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा, जैसे 90 माइनस थीटा में थीटा को जोड़िए तो कितना कट के आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि दोनों जो कोण है ना, ये दोनों कोण, दोनों उनियन जो कोण है, ये दोनों कोण कैसा है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब कौन सी जानते हैं, पूरक कोण उसको कहते हैं जिसको ऐड करने से, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तब हम उसको कहेंगे पूरक कोण, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको देखा जाए तो हमको पता चल रहा है कि कैंसिल आउट हो रहा है माइनस थीटा थीटा, तो बच रहा है ओनली 90 डिग्री, क्लियर। अब हमको क्या बोल रहे हैं आगे, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से मीनार की ऊंचाई है, यही ना मीनार का ऊंचाई है भाई, वह तुमको सिद्ध करना है कि ई वाला जो आना चाहिए हमको टोटल 3 मीटर, सॉरी 6 मीटर आना चाहिए। मीनार का ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर। तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए, कौन सी नाम दे दीजिएगा, तो ए बी सी डी, ठीक है। यहां माना, क्या माना कि ए सी डी, ए सी डी कितना थीटा तथा ए बी डी, कोण ए बी डी कितना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि पूरक कोण से, यहां लिख दीजिएगा पूरक कोण से, पूरक कोण इसे बोला जा रहा था कि पूरक कोण है, इसीलिए हम दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, तो पूरक कोण आ जा रहा है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ठीक है, हमको कितना सिद्ध करना है, 6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, हम सबसे पहले करेंगे कि ए सी डी में चलेंगे, तो त्रिभुज ए सी डी में चलो, तो त्रिभुज ए सी डी में थीटा तो भाई थीटा है ना, थीटा मैंने कुछ डिग्री रहता तब हम बोल सकते थीटा 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ थीटा तो थीटा है। अब जो भी थीटा रहता है उसके सामने वाला को कौन सी कहते हैं, पी। तो हमको पी जो है 6 नहीं दिया है, 6 हमको प्रूफ करके लाना है, यानी आंसर में हमको 6 लाना है, तो इसके सामने वाला पी होगा और पी का मान दिया है ए डी, ठीक है, पी का वैल्यू क्या दिया है, ए डी दिया है। अच्छा, उसका आधार कौन सी है, सी डी आधार, और सी डी का मान दिया है हमको 4, है ना, ये 4 दे दिया। तो अब यहाँ से हम लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कुछ होता है पी बटे में बी, और टेन थीटा बराबर पी का मान कितना, तो पी का मान हो जाएगा ए डी बटा में 4, ए डी बटा में 4, ओह हवा चल रहा है थोड़ा सा, ए डी बटा में 4, ए डी बटा में 4, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि P का वैल्यू ए डी हो गया और सी डी का वैल्यू बेस हो गया, उसको हम लोग 4 कर दिए। तो इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर ना 1, इसको कौन सा मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और फिर बात करेंगे हम लोग तो पता चलेगा, अब हम लोग चलेंगे कौन सा में, ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, टोटल ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में थीटा भाई कितना है, थीटा है हम लोगों को 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना है, थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब जो है इसके सामने वाले को पी कहते हैं, तो पी कितना है, ए डी, है ना। अच्छा, उसके बाद बात करें तो यहाँ से बी कितना है, तो बी हम लोगों को 9 है, बी है कितना, बी मैंने पूरा बी डी, तो बी डी का वैल्यू 9 है। अब यहाँ से भी हम लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर
पी बटे में बी। और थीटा के जगह पे कौन सी रखना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। पी के जगह पे कितना रखना है, ए डी है ना, और बी के जगह पे कितना रखना है, 9। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी, पी बोले तो ए डी, एंड बी बोले तो 9, यानी कि ए डी बटे में 9। ठीक है, अब हम एगो फार्मूला जानते हैं भाई, क्या जानते हैं पता है? तो हम लोग जानते हैं, कौन सी जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है उसके जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो इसका फार्मूले होता है, तो इसके जगह पे हम फार्मूला लिख दिए कॉट थीटा बराबर ए डी बटे में 9। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 हम यहाँ पे मान लिए, देख लो। अब इसको तुमको याद रखना पड़ेगा कि एगो समीकरण एगो त्रिभुज में कोई भी चीज़ अगर दोस्त प्रूव करना रहता ना है, सिद्ध करना रहता है, उस सिद्ध करने के लिए हमको वैसा ही रास्ता अपनाना होता है जिस रास्ते से चलते चलते उतना आना चाहिए। ठीक है, आलतू फालतू का काम करेंगे, फार्मूला लगाएगा तुम जरूर लगाएगा, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमको ये प्रूफ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, और उस कंडीशन को आप प्रैक्टिस से ही आपको आ सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को समीकरण नंबर यहाँ पे 1 है, और अभी हम लोगों को समीकरण नंबर 2 आया है। तो अभी हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। अब तुमको लग रहा होगा कि ये सब क्या लिख रहे हैं, गुना करने पर, भागा करने पर। भाई यही चीज़ तो मेन है, हमको 6 लाना ना है, तो हम 6 कैसे लाएंगे, इसी रास्ता को आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल से घर जाते हैं, तो आप स्कूल से घर जाते जाते रास्ता आपको फर्स्ट टाइम में, चाइल्डहुड टाइम में जब आप बच्चे थे, तो उस टाइम आपको रास्ता याद रखना पड़ता है, इस गली से जाके उस गली में घुसना है, उस गली में से। लेकिन अब वही रास्ते पे कई बार आप चल चुके हैं, तो आपको पता है कि रास्ता कहाँ जाएगा, कौन गली मोहल्ला में जाएगा। सेम वैसा ही है, हमको सिद्ध करना है, आपको स्कूल तक पहुँचना है, यहाँ सिद्ध करना है कि ऊँचाई जो है मीनार के 6 मीटर होना है। तो इसलिए आपको क्या क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो 2 गो अलग अलग त्रिभुज में चल के 2 गो समीकरण निकालना है, और दोनों समीकरण को क्या करना है, गुना करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि समीकरण 1 कौन सी है। तो समीकरण 1 है टेन थीटा बराबर ए डी बटे में 4, और दूसरा समीकरण कौन सी है, तो दूसरा भी हम लोगों को आया है कॉट थीटा बराबर ए डी बटे में 9, ए डी बटे में 9। तो यही ना फर्स्ट और सेकेंड है, दोनों को गुना करना है। तो टेन थीटा और कोट थीटा बराबर के एक तरफ वाला को गुना करल जाता है, और बराबर के दूसरे साइड वाला दूसरे तरफ गुना किया जाता है। तो पहले वाला गुना कीजिएगा तो इधर बनेगा टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर ए डी बटे में 4 गुने ए डी बटे में 9। समझ में आया? अब टेन थीटा और कोट थीटा का गुना कितना होता है, तो ये सब देखो, हम हमेशा बोल रहे हैं कि 9वां चैप्टर आपको तभी कंप्लीट हो जाएगा जब 8वां कंप्लीट कर लीजिए। तो वहां हम पढ़े थे भाई कि टेन थीटा और कोट थीटा को अगर आप गुना कर दीजिएगा तो हमेशा 1 आता है, इसलिए इसका फार्मूले होता है, यहां रख दीजिए 1। ठीक है, और ए डी को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ए डी का स्क्वायर, और 4 को 9 से गुना कीजिएगा तो 36। और इस एक को 1/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इधर उधर जाएगा तो ए डी स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो ए डी स्क्वायर, और 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36। इसलिए ए डी का वैल्यू निकालना है तो इधर स्क्वायर है, अब इधर से स्क्वायर हटता है तो यानी रूट में चल जाता है, तो रूट हो गया 36, इसीलिए 36 का वर्गमूल हो गया 6 मीटर, यानी कि ए डी का मान कौन सी आ गया भाई, 6 मीटर। तो हम ए डी किसको माने हैं, यही ना मीनार की ऊंचाई ए डी माने हैं। अब ये तो नाम हम अपने से न रखे हैं ए बी सी डी, तुम पी क्यू आर भी रख सकता है। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि मीनार का ऊंचाई कितना होना है, 6 मीटर, और हम लोगों को आ भी गया ए डी का वैल्यू 6 मीटर।
इसलिए लिख देना कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर सिद्ध हुआ, या सिद्ध या प्रूव्ड, जो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का ये 9वां चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। अब ये जो है ना चीज़ें 8वां और 9वां चैप्टर का देख लो भाई, बात कर लेते हैं। तो 8वां और 9वां चैप्टर तुमको लाइफ में ना ये पहली बार ऐसा नया चैप्टर मिला है पढ़ने को, जिकरा में साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या क्या नया नया तुमको नाम सुनने को मिला। इसमें बहुत सारा फार्मूला भी है। तो ये चैप्टर को आपको कैसे भी करके अंडर में कर लेना है। अब इसका अंडर में करने का तरीका सभी लोगों का अपना अपना होगा। कितने लोग फार्मूला को याद करके उसको अप्लाई करेंगे, कितने लोग हैं इसको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देख लो मैथ में अगर तेज होना है ना भाई, तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 और 9 चैप्टर को खूब दम भर प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से हम लोगों को 9 चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, जिसका नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आगे बढ़ते हैं, फिर इधर सारांश लिखा हुआ रहता है किताब में, उनियन कोण अनुमन कोण, ये सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, अगले क्लास में, आज तो सैटरडे है मतलब संडे, फिर मंडे को हम लोग शुरू करेंगे 10वां नंबर चैप्टर। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में भी आएगा, टेंशन ले लेना है। हालांकि वृत्त के बारे में आप पहले कुछ पढ़े होंगे, जाने होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर भी हम कुछ बताएंगे तो समझ में आएगा। तो याद रहे हम लोग मंडे से एक मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, वो है हम लोगों को वृत्त, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि वृत्त में कितना एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 10.1 दिख रहा होगा, फिर इधर आए तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँचते हैं 10.2 पे, मिटा हुआ है, ठीक है ना, इसको दिखा देते हैं। यह है 10.2, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी क्वेश्चन नंबर 13 तक है और लास्ट यहीं तक है, तो कुल मिलाकर एक सप्ताह लग ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मंडे के क्लास में, जिसमें एक न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स में शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।